Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. ऐसे नहीं, पहले खड़े रहो, ऐसे खड़े होने का, हाँ, और ऐसे पैर मारने का जोर से. अरे ऐसे नहीं करते, रुको, अभी जोर से किक करो, जोर से. क्या कर रही हो? क्या मिले? हिम्मत क्यों मार रही हो? क्यों मार रही है इसे? क्या क्या इसने? अरे आई पूछो इससे, इसने क्या किया है मेरी छोटी बाची के साथ, इतनी छोटी बाची के साथ इसने. अरे जब मैंने इसको देखा ना, इसका उसकी फ्रॉक में हाथ था. सही कह रही है वाला, वैसे छोड़ूंगा नहीं. अरे दिखा देखो, कुछ गलतफहमी हुई है. संजू ऐसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है. देखिए इस बच्ची की हालत, क्या आपको गलतफहमी दिखाई दे रही है? आप मेरे बहन के पति हो ना, इसलिए आपका लिहाज करके मैं इसे अभी जिंदा छोड़ रहा हूँ. लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसे कोर्ट ले जाऊंगा. मैं छोड़ूंगा इसे मैं. सर, मैं होटल का मैनेजर हूँ, मैंने ही आपको फोन किया था. सर लगता है किसी भारी चीज से सर पे मारा गया है, शायद ऐसे ही किसी बॉटल को मर्डर वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया होगा. चेक करो अंदर. सर सर आपको किसी पर शक, किसने किया होगा ये? संजू भाई ने इनका मर्डर किया है. मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा है बाहर से. गाइड? यस, हम लोग 2 वीक्स पहले ब्राजील से अपने देश आए थे और वो 1 वीक से हमारे साथ था. झगड़ा हुआ था मेरे पति और संजू गाइड के बीच में. इनका पर्स, सारे पैसे सब लेके चला गया वो. उसी ने ही मारा इन्हें. सर वो नहीं है यहाँ पर और मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ. बाबा शो रूम गुड़ा है. सर रूम इधर है, मैं दिखाती हूँ आपको. बहुत रंगीन मिजाज लगता है आपका भाई. अरे साहब वो तो बचपन से ही बहुत शौकीन मिजाज का है. नासिक में भी बहुत कुकान किए उसने. रूम की तलाशी लो. सर एक्चुअली टूरिस्ट गाइड है हम लोग, तो गर्मी में टूरिस्टों के साथ घूमना पड़ता है. हमें पसीने की बदबू ना, इसलिए हमें वो परफ्यूम लगाना पड़ता है. सर सर ये मिला है चाइल्ड पॉर्न, ये भी शायद आपके धंधे की जरूरत होगी. ये लड़की की फोटो मिली है. ये कौन है? नहीं मालूम सर. साहब उसका कोई नया शिकार होगा. बच्चों के साथ गलत काम करना तो उसका पुराना शौक है ना. अगर इनका भाई यहाँ आता है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करिए. जी सर. Thank you.
बच्चे वो शर्म आना चाहिए उस्मान भाई, रोज रोज को तुम्हारा नाटक हो गया। संजू भाई मैं परेशान हो गया उस बंदे से। छोड़ो आटा हो यार, ये सब तो चलता ही रहता। तुमने कुछ खाना खाया? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया। आप एक काम करो, आप यहीं बैठो, मैं लेके आता हूँ। बच्चे यार होते नहीं। हाँ तो कैसे समझते हैं, बच्चे प्यार करने के लिए होते, जुर्म करने के लिए नहीं। बेटा रो मत, मैं कल समझाऊंगा अपने अबू को। हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। हाँ बेटा। संजू गाइड, बहुत मिसगाइड किया रे तूने हमें। चल तुझे मुंबई दर्शन अब मैं कराता हूँ, ले चलो इसे। चल सर। सर मैंने क्या किया? सर मैं क्या कह रहा हूँ सर, श्वेता की जली हुई बॉडी देखने के बाद तुम्हारी जो हालत हुई है उसे पता चलता है कि तुम उसका भला चाहते थे। संजू अब तो सच बता दो, किसने किया ये सब? सर मैं उसे अपनी बहन मानता था सर। बहन? हाँ सर, मैं उसे पहले दिन से बहन मानता हूँ, जब मैं चमुना के कोटे पे उससे मिला था। तुम्हें मालूम है ना मैं कितना पसंद करता हूँ। रहने दे, ऐसे टाइम पे ना हर आदमी यही बोलता है। कौन है तू? क्या कर रही है? बाहर आ जा। नहीं। आ जा। कौन है तू? आ जा। क्या हुआ तुझे? मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत प्यारी लड़की थी सर, मैंने उससे बहुत बातें की तो उसने मुझे बताया कि वो लातूर की रहने वाली है, उसके पिताजी फार्मर हैं। गरीबी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। उसके सगे काका ने उसे भेज दिया कोटे पे पैसों के लिए, लेकिन एक दिन पुलिस की रेड पड़ी तो अनाथ आश्रम चली गई। और मौका मिलते ही तुमने उसे भगा लिया? नहीं सर, मैंने नहीं भगाया उसे। जब तुम्हें पता था कि श्वेता गायब होने के बाद सबसे पहला शक तुम पर आएगा तो तुम भागे क्यों, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि पुलिस कभी सच का पता नहीं लगाती, उनको सिर्फ फाइल क्लोज करना आता है। मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ है, दोबारा ना हो इसलिए मैं नहीं आया। अच्छा ही हुआ श्वेता भाग गई, उसे एनजीओ और वो अय्यर के पास से। मतलब मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर ने मुझे गाइड बनाया था। उन्होंने मुझे कहा कि उनको बच्चा नहीं है, वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं इसलिए इंडिया आ रहे। मतलब पहला चुड़ी नजरे समोर श्वेता आ रही सर, मुझे लगा कि उसको आई पापा मिल गए, उसकी जिंदगी सुधर गई। मैंने उनको कहा कि अभी पेपर जल्दी बनाओ। मैंने श्वेता को समझाया, वो भी बहुत खुश थी। श्वेता को देखते ही उन्होंने पसंद कर दिया था सर। एडॉप्शन की प्रोसेस चालू ही थी सर, उसके होने वाले आई बाबा के पास मैं श्वेता को लेके जाता उनके होटल पे, ताकि एक दूसरे को जान सके। ये एडॉप्शन वाली बात क्यों छुपाई हमसे? नो, मैंने कुछ पर्पसली नहीं छुपाया। वो सडनली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मैं बहुत घबरा गई और मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। एनजीओ वाले ने मुझे बताया कि 2-3 दिन में पेपर तैयार हो जाएगी। मिस्टर अय्यर और मिसेस अय्यर बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी टीम दी, मैं भी बहुत खुश था। खुशी मनाने में जमुना के कोटे पे गए। निकल यहाँ से बाहर। क्या कर रही है? तुझे क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? राक्षस है तू, राक्षस। ये क्या बोल रही थी? हाँ मैंने क्या किया? वो अनाथ आश्रम वाला यहाँ आया था तेरी तरह नोटों की गड्डिया लेकर, और पता है नशे में उसने सब पक दिया। तुम लोग श्वेता को 5 लाख में बेचने वाले थे ना, सब पक दिया है उसने। तू मेरी आंखों से ना बिल्कुल दूर हट जा, बिल्कुल दूर। ये क्या बोल रही थी? क्या बोल रही हो? यही सच है, तू निकल जा, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा यहां से। मुझे बहुत गुस्सा आया सर, मैं दूसरे दिन वो अनाथ आश्रम में गया, उसके मैनेजर को 2-4 थप्पड़ लगाए। बाद में अय्यर को मिलने होटल चला गया। आई थिंक अब सारे कैमरा स्टार्ट हो जाने चाहिए। तुमने अय्यर को नहीं मारा, तुम जब होटल पहुंचे तो अय्यर पहले से मर चुका था, तो तुम भागे क्यों, हमारे पास क्यों नहीं है? सर मैं ये जानता था, मैं आपके पास आया तो वो एनजीओ वाले और मिसेस अय्यर मिलके मुझे फंसा लेंगे, इसलिए मैंने
भागने का सोचा, मैं कल ही भागने वाला था मुंबई से। संजू जो कहानी तुमने सुनाई है दिल तो करता कि उस पर यकीन करूं, पर कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। जब तक तुमने जो कहानी सुनाई है उसके सच्चाई के सबूत हमें नहीं मिले, और खासकर वो श्वेता, जब तक वो नहीं मिलती तुम हमारे शक के दायरे में रहो। जो डेड बॉडी हमने तुम्हें दिखाई थी वो श्वेता की नहीं थी। भगवान से दुआ करो कि श्वेता जिंदा है और वो सही सलामत हमें मिले। मैंने ही उसके बिस्तर के नीचे वो गंदी डीवीडी छुपाई थी मैडम। क्यों? मैं बहुत नफरत करती थी उससे, बहुत ज्यादा नफरत करती थी। संजू, संजू आना जरा। हाँ आलो, चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ वैनी, क्यों बुलाया? तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? बहुत पसंद है मुझे। देखो ना, आपके भाजी के साथ अभी 1.5 घंटा खेल रहा था, अभी कोचिंग के लिए देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। संजू, संजू वैनी, देर तो मुझे भी बहुत हो गई है ना संजू। वैनी क्या करते तुम्हें छोड़ा? संजू 5 साल हो गए मेरे और तेरे भैया की शादी को, अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ है संजू। संजू मैं माँ बनना चाहती हूँ। संजू इसमें फायदा तो तुम्हारा भी है ना संजू, मेरी बात मान लो। मेरी बात मानो, छोड़ो वैनी प्लीज। वैनी दादा रुको, संजू दादा लौकर बाहर। जब उसने मुझे मना किया और घर वालों को बताने की धमकी दी तो मैं बहुत डर गई थी कि मेरे पति को सच का पता न चल जाए, और इसीलिए मैंने उसे झूठे केस में फंसा दिया कि उसने मेरी भतीजी के साथ बदतमीजी की थी। पर मैं यही चाहती थी कि आप लोग उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दें। मैडम मेरी और कोई गलती नहीं है। और कैसी है तुम्हारी तबीयत? सलाम सर साहब, आप मुझे बुला लेते, कोई कुछ पूछना था क्या? सुना तुम्हारी तबीयत खराब है तो सोचा खुद जाकर मिल लो। अचानक से क्या हो गया तुझे? अरे तबीयत तो सर सही है, किसने बोला आपको तबीयत खराब है? अरे मेडिकल शॉप से दवाइयाँ खरीद रहे हो। सर वो थोड़ा गला खराब हो गया था इसलिए। अच्छा देखा, ये दवाइयाँ तो बच्चों की है, कैसे उसको बच्चा रहता है? सर वो सर सर बोल सर, चल सर यार कुछ नहीं। चल सर, चल सर कुछ नहीं किया है सर। क्या? तेज बुखार है, एम्बुलेंस को फोन करो। मैडम गलती हो गई, मैडम गलती हो गई, बताता हूँ मैडम। जब से वो आई थी तब से वो मेरी नजर में थी, और जिस दिन वो सामान खरीद के वापस आ रही थी तो बंगलों में कोई नहीं था, सब सो रहे थे, तो मैंने उसको वहीं से उठा कर ले गया और अपने रूम में बंद कर दिया। छोटी सी मासूम सी बच्ची पर नजर डाले कैसे? हाँ गलती हो गई मैडम, मैडम गलती हो गई, मैडम गलती हो गई मैडम। उन्होंने कहा था वो मेरे नई आई बाबा है, और मैं मेरी नई आई के साथ होटल में खाना खा रही थी, और मैंने जल्दी खाना खत्म कर लिया और बाबा के साथ वीडियो गेम खेलने ऊपर चली गई। ओके टीवी देखा बैठ के। हाँ ना, हाँ मैं क्लाइंट की एजेंसी समझता हूँ। हाँ उसका नाम श्वेता है। हाँ बच्ची का सारा टेस्ट हो गया, सब ठीक ठाक है, लीवर किडनी सब ठीक है, डोंट वरी अबाउट। हाँ अरे ब्राज़ील आते ही उसे एयरपोर्ट से सीधा थिएटर में लेटा दो ऑपरेशन टेबल में, बस। या सी यू देन श्वेता। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, और वहाँ एक बोतल पड़ी थी, मैंने उसके सर पे मार दी, फिर मैं डर गई और पैसे लेके भाग गई। मुझे तो लगा था संजू भैया भी उनके साथ मिला हुआ है, और मेरे काका ने तो भेजा था। मैं वहाँ से भाग के रेलवे स्टेशन पे चली गई, और पता नहीं मैं कौन सी ट्रेन में बैठ गई। सॉरी संजू भैया, सिर्फ आप ही भरोसा करने के लिए मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। सॉरी नहीं बोलते बेटा, मैं तो सब कुछ भूल गया। कल जो मेरे साथ हुआ अब तो तुम्हारे साथ नहीं होगा। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा, मुझे किसी ने नहीं अपनाया लेकिन मैं तुम्हें अपनाऊंगा। हाँ बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। संजू तुम बेकसूर हो, जा सकते अवड़े। और हाँ सॉरी।
और इस तरह संजू गाइड और श्वेता की इस कहानी का अंत हुआ। आखिर उसे इंसाफ मिल ही गया। जिस झूठे इल्जाम के साए में उसकी जिंदगी गुजर रही थी वो दाग उस पर से हट गया। श्वेता को पुलिस ने अदालत में पेश किया जिसके मामले में फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात इस कहानी से निर्विवाद रूप से साबित होती है और वो ये है कि जिंदगी एक मंच है जहां हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी अपने हिसाब से लिखना भले ही हमारे बस में ना हो, लेकिन उस कहानी में हम नायक की भूमिका निभाएंगे या खलनायक की, इसका चुनाव करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में होता है। कदम कदम पर अन्याय का शिकार होने के बाद, समाज का तिरस्कार और अपनों की नफरत झेलने के बाद संजू के लिए आसान था कि वो खलनायक बनकर बुराई के रास्ते पर चल पड़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने अच्छाई के रास्ते को नहीं छोड़ा और आखिर में सबको ये मानना ही पड़ा कि वो खलनायक नहीं बल्कि असल में एक नायक था। संजू के इस चुनाव और जज्बे को सलाम करते हुए हम ये चाहेंगे कि हम सब इस कहानी को हमेशा अपनी सोच में ताजा रखें और जिंदगी में अपने किरदार को चुनने में वही समझदारी दिखाएं जो संजू ने दिखाई। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।